इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू स्टडी द स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस। स्ट्रॉन्ग एग्जियम्स ऑफ द रिड प्रेफरेंस बेसिकली क्या चीज़ है तो अगर हम देखें तो ये वो असूल है या वो प्रिंसिपल है जिसको अगर हम देखें तो ये वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में रिवील्ड प्रेफरेंस को एक्सप्रेस करता है और ये मस्ट एक्सप्रेस होना चाहिए इसीलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग कहते हैं बिकॉज इट एक्चुअली गिव्स द स्ट्रेंथ ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी तो इट मीन्स इफ कंज्यूमर इज़ फेसिंग द कंज़म्पशन डिसीजन बिटवीन टू बंडल्स ए एंड बी एंड इन कमोडिटी ए बंडल ही इज़ हैविंग कमोडिटीज़ एक्स वन एक्स एंड इन बंडल बी ही इज़ हैविंग द कमोडिटीज वाई वन वाई means two bundles a and b they are different to each other they are not mirror to each other so the reflexivity is not there but now these two they are both affordable to consumer but the bundle a is somewhat expensive keeping in view the various combination of the prices because the prices of the commodities in bundle a and the price of the commodities bundle b may be different but the actual expenditure that he is going to incur on the bundle a is somewhat more than the bundle b but that part is that very necessary that despite of this fact the consumer is going to purchase bundle a not the bundle b so it means despite of this एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर दैट ही हैज़ टू इनकर और बंडल ए ही इज गोइंग एक्सप्रेसिज हिज प्रेफरेंस और अगर हम कहें तो इस बंडल के ऊपर ज़्यादा खर्च होने के बावजूद अगर कंज्यूमर उसी बंडल को तरजीह बुनियादों पर ख़रीद करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी तरजीह के बारे में बहुत स्ट्रोंगली बिलीव करता है और उसका वो इजहार उसकी परचेज के जरिए कर सकता और बहुत बंडल्स हालांकि उसको अवेलेबल हैं और उसके अफोर्डेबल है तो ये स्ट्रॉन्ग एग्जियम या सफिशंट कंडीशन है हमारे रिवील्ड प्रेफरेंस की और ये सफिशेंट कंडीशन इस सेंस में है कि अगर जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि एक्चुअली रिवील्ड प्रेफरेंस हैज बीन एग्जिबिटेड अब इस स्ट्रॉन्ग एग्ज्यूम की जो एजम्पशन में अगर हम देखें तो इसमें भी दो बंडल्स हैं ए और बी दोनों के अंदर जो कमोडिटीज़ हैं वो सेपरेट हैं डिफरेंट हैं और यहाँ पर अब एक चीज़ है कि कंप्लीटनेस की जो प्रॉपर्टी है वो हमारे सामने है तो पॉसिबल है कि कंज्यूमर बंडल ए को बी पर प्रेफर करे वन कम्बीनेशन पॉसिबल है कि कंज्यूमर बंडल ए को बी पर प्रेफर करे और ये भी पॉसिबल है तो वो इन दोनों के दरमियान किसी को भी आपस में प्रेफर ना करे रादर वो दोनों को इक्वल वेटेज दे तो दीज कैन बी द थ्री कम्बिनेशन तो दीज थ्री कम्बिनेशन और द थ्री अपॉर्चुनिटीज कैन बी अवेलेबल टू द कंज्यूमर अब इन तीनों अपॉर्चुनिटीज में से वो किसी एक अपॉर्चुनिटी को जो है सेलेक्ट करेगा वो तीनों को एट ए टाइम नहीं कर सकता तो एक्चुअली द डिनाइल ऑफ दिस फैक्ट इज़ बेसिकली द द्रॉन्ग एग्जियम कंज्यूमर तीनों में से जो भी सिलेक्शन करते आइदर ए इज प्रेफर टू बी और बी इज प्रेफर टू ए और ए और बी बोथ आर इक्वल लेकिन इन तीनों में से इन सिलेक्शन क्राइटेरिया में से वो जब भी लेगा एक चॉइस को क्लिक करेगा ये बिल्कुल हम ऐसे ही कहें जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके पास तीन आंसर हों तो आप उन तीन में से जब भी क्लिक करेंगे या आपने करना होगा सिर्फ एक को टिक कर सकते हैं और जिसको आपने एक दफ़ा टिक कर दिया फिर वो आपका पसंदीदा या सिलेक्टेड ऑप्शन ही रह जाता है तो इसी तरह यहाँ पे भी कंज्यूमर इन तीनों में से कोई एक कर सकता है तो वंस दैट ऑप्शन डेट ही सेलेक्ट आइडर ही प्रेफर्स ए टू बी तो वो आने वाले तमाम कम्बिनेशन में इशूज़ में फिर हमेशा ए को बी पर फोकियत दें बट इन एनी कम्बिनेशन इन एनी अदर परचेज ऑर्डर ही विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट बी ओवर ए तो अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब है कि वो उसकी वायोलेशन करेगा तो दिस स्ट्रॉन्ग एग्जियम इज़ बेसिकली दैट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो जो तय करती है रिवील प्रेफरेंस की एक्चुअल अब अगर हम आए तो इस आइडिया के पीछे अगर हम देखें तो इसकी जो एक्चुअली अहमियत है हम अगर उस पर जाएँ तो हम कहते हैं क्योंकि अगर कंज्यूमर किसी भी टाइम पे बंडल एक्स को वाई पे प्रेफ़र करता है तो इसका मतलब वो उसने उसको डायरेक्टली प्रेफर किया लेकिन अगर वो एक्स वन को रिवील प्रेफ़र के करते हुए इसके अपोज़िट चला जाए और वो कहे कि हम उसको एक्स वन भी प्रेफर हो रहा है और वाई वन भी X पे हो रहा है तो एक है उसकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी इसीलिए इस कंट्राडिक्शन को देखते हुए हम देखें तो हमारी कंजम्पशन की थ्यूरीज़ में जो उसके कुछ अगर हमने फर्दर उससे चीज़ों को इन्फर किया हुआ है या हमने उसके कुछ पॉस्टुलेट्स बनाए हुए हैं तो अगर हम वो देखें तो जिसमें से एक हम कहते हैं कि कंज्यूमर हमेशा अपनी कंजम्पशन को वेरी वेल बिहेव प्रेफरेंसेस या इनडिफ्रेंस कर्व्स के ज़रिए एक्सप्रेस करता है अगर ये स्ट्रोंग एक्ज्यूम जिसको हमने तय किया है अगर वो कंज्यूमर इसको फॉलो ना करे और अपनी पसंद को हमेशा अदल बदल करता रहे तो वो जो वेल well बिहेव्ड प्रेफरेंस के हमारे पास उसके कर्व्स हैं वो कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो और अगर वो इसको फॉलो नहीं कर सकता कि वो जो ऑब्ज़र्व्ड चॉइसेस हैं अगर वो स्ट्रॉग एग्जियम को फॉलो नहीं कर सकती तो फिर हमारे लिए क्या मुश्किल होती है कि अगर वो इनको फॉलो कर रहा है प्रॉपरली तो हमारे पास मुमकिन है कि इस फॉलो के नतीजे में कि हम हमेशा बेस्ट प्रेफरेंसेस को सिलेक्ट कर सकें हम हमेशा बेस्ट थिंग्स कंज्यूमर जो है वो उसको सिलेक्ट कर सकें और वो अपना बिहेवियर अपने कंजम्पशन डिसीजंस के बारे में कंसिस्टेंट रहे ट्रांजिटिविटी से एक्सप्लेन करें और उसको मुस्तकम तरीके से होते हुए वो डिसीजन और रैशनल करे और चूंकि उसकी पसंद बार बार चेंज नहीं हो रही होगी तो उसके लिए डिसाइड करना उसके लिए भी आसान होगा और इकोनॉमिस्ट भी उसके बिहेवियर को प्रॉपरली एनालाइज कर सकते हैं तो जो बोथ एंड सफिशेंट तो वीक एग्ज्यूम्स ऑफ द व्हील प्रेफरेंस आर बेसिकली द निसरी कंडीशन जिसको हम कहें कि ये बुनियादी होनी चाहिए लेकिन जो स्ट्रोंग एग्ज्यूम्स हैं ये वीक एंड स्ट्रोंग दोनों का कम्बिनेशन करके देखें तो बेसिकली दे बिकम द सफिशेंट कंडीशन फॉर द अब्जर्व्ड च्वाइस टू बी कम्पेटेबल विद द इकोनॉमिक मॉडल्स ऑफ द कंज्यूमर भी है